ये बात सही है कि संसद के अंदर और देश के प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि अभी तक एनआरसी लागू करने का इनकी कोई मंशा नहीं है, लेकिन उस पूरे सेंटेंस में जो शब्द मुझे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट लगते हैं वो है अभी तक। मतलब अगर आप सड़कों से निकले तो ये फॉरन एनआरसी वापस लेकर आएंगे, और इन्होंने ऑलरेडी प्लान बना दिया है। जैसे अजय सिंह बिज साहब ने अपना नाम बदल के योगी आदित्यनाथ कर लिया, ये सोच के वो कितने बड़े ढंगी है तो लोग समझ नहीं पाएंगे, उसी तरीके से एनआरसी का नाम बदल के एनपीआर कर दिया है, और एनपीआर नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर 50 दिन में शुरू होने वाला है, उसकी डेट 1 अप्रैल है। बजट की घोषणा हो गई है, सरकारी अफसरों की घोषणा हो गई है, सरकारी अफसर आके एनपीआर की शुरुआत करने वाले हैं। उस एनपीआर को केंद्र का मुद्दा बनाना है। 50 दिन से हम विरोध कर रहे हैं, एनपीआर आने में 50 दिन बाकी है। इन 50 दिनों में हमको हर एहतजाज में सवाल उठाना है कि एनपीआर को रोकना पड़ेगा। सरकार का यह बयान जो एनआरसी देश के अंदर नहीं लेकर आ रहे, ये जब तक बयान ठोकला है तब तक सरकार ये नहीं बोलती कि एनपीआर को भी वो रोकेंगे। और सिर्फ ये बात बीजेपी की सरकार से नहीं है, वो तमाम सरकारें जो 12 राज्यों में बीजेपी की सरकारें नहीं है, चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, महाराष्ट्र हो, बंगाल हो, केरल हो, जितनी भी इतनी सरकारें हैं, उन तमाम सरकारों से अपील करते हैं, उन तमाम सरकारों से हम दरखास्त करते हैं, आप एनआरसी का विरोध कर रहे हैं, खुले शब्दों में आके आप एनपीआर का विरोध कीजिए। अभी तो दरखास्त है, अभी तो दरखास्त है, ये सवाल कांग्रेस से है, ये सवाल टीएमसी से है, ये सरकार एनसीपी से है, ये सवाल उन तमाम सरकारों से है। अभी तो हम दरखास्त कर रहे हैं, लेकिन हम किसी सियासी मुफाद के लिए नहीं आए। अगर हम बीजेपी का विरोध कर सकते हैं तो अगर एनपीआर को नहीं रोका तो आपका भी विरोध कर सकते हैं। इसी अपील के साथ कि जैसे शाहीन बाग ने और आप लोगों ने माओ ने बहनों ने हमको जज्बा पिछले 50 दिन में दिया है, आने वाले 50 दिन में जब एनपीआर के खिलाफ अब मोर्चा खोला जाएगा, एनपीआर को केंद्र बनाया जाएगा, एक बार फिर सबसे आगे आके हमारी माओ हमारी बहनें इस एहतजाज को लीड करेंगी, फिर हमारी लोग भी मोर्चा अभी हारेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, इंकलाब जिंदाबाद।